दोस्तों, अगर किसी एक चीज़ ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है तो वह है शिक्षा या एजुकेशन। लेकिन जहां एक तरफ शिक्षा की महत्ता को लेकर विश्व की महान हस्तियों ने कई प्रेरणादायक कथन कहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कईयों ने इस पर कटाक्ष भी किया है। आइए आज हम शिक्षा के विषय में कहे गए विश्व प्रसिद्ध कथनों को जानते हैं। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। शिक्षित व्यक्ति को आसानी से शासित किया जा सकता है। शिक्षा अपने क्रोध या अपने आत्मविश्वास को खोए बिना लगभग कुछ भी सुनने की क्षमता है। शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की कुंजी है। जो आपने सीखा है उसे भूल जाने के बाद जो रह जाता है वो शिक्षा है। शिक्षा ने ऐसी बहुत बड़ी आबादी पैदा की है जो पढ़ तो सकती है पर ये नहीं पहचान सकती कि क्या पढ़ने लायक है। शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना। वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है जेल के दरवाजे बंद करता है। पहले भगवान ने बेवकूफ लोग बनाए, वो अभ्यास के लिए था। फिर उन्होंने स्कूल बोर्ड्स बनाए। बिना शिक्षा के कॉमन सेंस होना शिक्षा प्राप्त करके भी कॉमन सेंस न होने से हजार गुना बेहतर है। जिम्मेदारी शिक्षित करती है। भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ ना पाए, अनपढ़ वो होगा जो ये नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है। शिक्षा का उद्देश्य है युवाओं को खुद को जीवन भर शिक्षित करने के लिए तैयार करना। जीवन में बस वही वास्तविक असफलता है जिससे आपने सीख नहीं ली। केवल एक चीज जो मुझे सीखने में हस्तक्षेप करती है वो है मेरी शिक्षा। शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। स्कूल का सबसे सीधा लड़का भी अब उस सत्य को जानता है जिसके लिए आर्किमिडीज ने अपना जीवन बलिदान कर दिया होता। एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए ए का मतलब बस तीन डंडे हैं। सच है अल्प ज्ञान खतरनाक है पर फिर भी ये पूर्ण रूप से अज्ञानी होने से बेहतर है। जब कोई विषय पूरी तरह से अप्रचलित हो जाता है तो हम उसे आवश्यक पाठ्यक्रम बना देते हैं। शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने यह जान लिया है कि सूचना लगभग हमेशा अधूरी और बहुत बार गलत, भ्रामक, काल्पनिक, हतोत्साहित और सरासर झूठ होती है। एक उदार समाज के मूल में उदार शिक्षा होती है और एक उदार शिक्षा के मूल में शिक्षण का कार्य होता है। अमेरिका इतना शिक्षित होता जा रहा है कि अज्ञानता एक नई बात होगी। मैं कुछ गिने चुने लोगों में रहना चाहूंगा। शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि आपने कितना कुछ याद किया हुआ है या ये कि आप कितना जानते हैं। इसका मतलब है आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उसमें अंतर कर पाना। बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए पर उन्हें खुद को शिक्षित करने के लिए भी छोड़ दिया जाना चाहिए। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। किसी सेना की अपेक्षा शिक्षा स्वतंत्रता के लिए एक बेहतर सुरक्षा है। शिक्षा एक सराहनीय चीज है पर समय समय पर ये बात याद कर लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी जो जानने योग्य है उसे सिखाया नहीं जा सकता। शिक्षा का अर्थ है वो जानना जो आपको पता भी नहीं था कि वो आपको पता नहीं था। शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं है, शिक्षा खुद जिंदगी है। शिक्षा बाल्टी भरना नहीं है, ये तो आग जलाना है। ऐसे जियो जैसे कि तुम्हें कल मर जाना हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम्हें हमेशा के लिए जीना हो। मैंने कभी भी अपनी स्कूलिंग को अपनी शिक्षा के मार्ग में नहीं आने दिया है। आप कभी भी ओवर ड्रेस्ड या ओवर एजुकेटेड नहीं हो सकते। आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं। आप एक औरत को शिक्षित करते हैं, आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। दुनिया एक किताब है और वे जो घूमते नहीं केवल एक पन्ना पढ़ते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पुस्तकालयों की जो भी लागत हो उसकी कीमत एक अज्ञानी राष्ट्र की तुलना में कम है। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचें, ना कि क्या सोचें। एक बार प्रबुद्ध हुआ मन फिर से अंधकारमय नहीं हो सकता। जब तक आप रुकते नहीं ये मायने नहीं रखता कि आप कितना धीमे जा रहे हैं। केवल एक पीढ़ी के पाठक एक पीढ़ी के लेखकों को जन्म देंगे।
बुद्धि और चरित्र, यही शिक्षा का लक्ष्य है। बिना दिल को शिक्षित किए दिमाग को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है। शादी इंतजार कर सकती है, शिक्षा नहीं। मैं पढ़ाने वाला नहीं बल्कि जगाने वाला हूं। आधुनिक शिक्षक का कार्य जंगलों की कटौती करना नहीं बल्कि रेगिस्तान की सिंचाई करना है। दिमाग भरा जाने वाला पात्र नहीं है बल्कि जलाई जाने वाली आग है। बच्चे ये याद नहीं रखते कि आपने उन्हें क्या पढ़ाने की कोशिश की थी, वे ये याद रखते हैं कि आप क्या हैं। स्पून फीडिंग आखिरकार कुछ नहीं सिखाता, बस स्पून का शेप सिखा देता है। बिना इच्छा के पढ़ाई याददाश्त खराब कर देती है और वो जो कुछ भी लेती है उसमें से कुछ नहीं रखती। बिना मूल्यों के शिक्षा उतनी ही उपयोगी है जैसे कि वो एक इंसान को और चालाक शैतान बना रही हो। अनदेखी करना अज्ञानता के समान नहीं है, आपको इस पर काम करना होता है। शिक्षा के बिना हम पर शिक्षित लोगों को गंभीरता से लेने का एक भयानक और घातक खतरा रहता है। असल जिंदगी में मैं यकीन दिलाता हूं अलजेब्रा जैसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा प्राप्त करना कुछ कुछ फैलने वाली सेक्स डिजीज जैसा था। ये आपको कई कामों के लिए अनुपयुक्त बना देता है और फिर आपके अंदर इसे आगे फैलाने की तीव्र इच्छा होती है। सीखने में आप सिखाएंगे और सिखाने में आप सीखेंगे। जो कोई भी सीखना छोड़ देता है, चाहे 20 का हो या 80 का, बूढ़ा है। जो कोई भी सीखता रहता है, जवान रहता है। फॉर्मल एजुकेशन आपको जीविका दे देगी, सेल्फ एजुकेशन आपको अमीर बना देगी। जितना अधिक मैं जीता हूँ उतना अधिक मैं सीखता हूँ, जितना अधिक मैं सीखता हूँ उतना अधिक एहसास होता है कि मैं कितना कम जानता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन मैं जो जानना चाहता हूँ वो कभी नहीं सीखता। मैंने जो कुछ भी सीखा है किताबों से सीखा है। एक सभ्य घर जैसा कोई स्कूल नहीं है और एक भद्र अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। यदि आपको लगता है शिक्षा महंगी है तो अज्ञानता को ट्राई कर लीजिए। शिक्षा शिक्षा है, हमें सब कुछ सीखना चाहिए और फिर चुनाव करना चाहिए कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है। शिक्षा ना ईस्टर्न है ना ही वेस्टर्न, ये ह्यूमन है। तो दोस्तों, ये हो गए शिक्षा से संबंधित विश्व प्रसिद्ध कथन।